आप सोचिए, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट के मंत्री खुले आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है और पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच कनेक्शन देखने को मिल रहा है। यही वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने नेता भेजा था मनीष शंकर अय्यर, जिन्होंने जाके पाकिस्तान में कहा था मोदी को हटाना होगा। जब दो तीन बार कहा कि मोदी को हटाना होगा तो एंकर को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा हम मोदी को कैसे हटाएंगे। केवल पाकिस्तान ही नहीं, पन्नू भी राहुल गांधी के समर्थन में 3-4 दिन पहले वो भी उतर आया था। उसने भी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कहा था कि जो राहुल गांधी की मनसा है वही हमारी मनसा है, हम राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं। नाम रखा है इंडिया, इंडिया अलायंस, इंडिया। हमारे देश के नाम को बदनाम कर रहे हैं, नाम हमारे देश का रखते हैं, खाते हमारे देश का है और गुण गाते पाकिस्तान का है। धिक्कार है राहुल गांधी जी। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए कहा है कि जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है अनुच्छेद 370 को लेकर और आर्टिकल 35A को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिस्टोर करेगी, वही स्टैंड पाकिस्तान का भी। आप सोचिए, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट के मंत्री खुले आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है और पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच कनेक्शन देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 के ऊपर चर्चा हुआ था, जब माननीय गृहमंत्री जी ने चर्चा आरंभ किया था सदन के पटल पे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, उस समय जो सदन में मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि यह बायलैटरल इशू है, आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 370 हटाने से पहले एक बार पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए। और सोनिया गांधी जी आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी कि हां ये सवाल पूछो, और आज उसका जवाब पाकिस्तान दे रही है। ये पहली बार नहीं है कि आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच सांठगांठ पता चल रहा है। आप याद करिए, यही वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने नेता भेजा था मनीष शंकर अय्यर, जिन्होंने जाके पाकिस्तान में कहा था मोदी को हटाना होगा। जब दो तीन बार कहा कि मोदी को हटाना होगा तो एंकर को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा हम मोदी को कैसे हटाएंगे। आप सोचिए किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए सबसे बड़ा आतंकी सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तान में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। ऐसे ही नहीं हाफिज सईद कहता है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, आज पाकिस्तान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर आया है। और आप याद करिए, केवल पाकिस्तान ही नहीं, पन्नू भी राहुल गांधी के समर्थन में 3-4 दिन पहले वो भी उतर आया था। उसने भी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कहा था कि जो राहुल गांधी की मनसा है वही हमारी मनसा है, हम राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं। क्या कारण है? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि पाकिस्तान हो या पन्नू, ये सारे आतंकवादी आपका समर्थन क्यों करते? और ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी विषय नहीं है, बाइट का भी विषय नहीं है, ये सबके लिए सोचने का विषय है, एक आम हिंदुस्तानी के लिए सोचने का विषय है। आप सोच के देखिए, माता श्री सोनिया गांधी जी जब आतंकियों के लाश को देखती है तो वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती है, वो रो देती है। जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो 3 रातों तक वो सो नहीं पाती है। और खुद सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि सोनिया जी विचलित हो गई थी आतंकवादियों के लाश को देखकर और वो रोने लगी थी। आतंकवादियों के लाश को देख के सोनिया जी रोती है। पाकिस्तान जो आतंकी राष्ट्र है वो कांग्रेस का समर्थन करता है, हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, और तो और पन्नू कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का समर्थन करता है। ये आतंक और कांग्रेस पार्टी का क्या मेलजोल है, किस प्रकार का ये गठबंधन है, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार का गठबंधन है, ये हम जानना चाहते हैं। नाम रखा है इंडिया, इंडिया अलायंस, इंडिया। हमारे देश के नाम को बदनाम कर रहे हैं,
नाम हमारे देश का रखते हैं, खाते हमारे देश का है और गुण गाते पाकिस्तान का है। धिक्कार है राहुल गांधी जी, आपने हमेशा ये दिखाया है कि चाहे विदेशों में जाके हिंदुस्तान के विरोध में बोलना है, चाहे आप चीन में जाकर बिना किसी को बताए चोरी चोरी चुपके चुपके एमओयू साइन करके चीन के साथ खड़े होने का विषय हो, और डोकलाम के समय एक तंबू के नीचे टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी और वाड्रा परिवार खानदान किस प्रकार चीन के ऑनवॉय से मिल रहा था, और आज पाकिस्तान खुले तौर पर और उनके मंत्री खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का समर्थन कर रही है। ये क्षमा मांगने का भी विषय नहीं, ये गंभीर विषय है और भारत का प्रत्येक नागरिक इस विषय को अपने मन में रखेगा, अपने दिमाग में रखेगा जब वो वोट करने जाएगा। हम बुद्धिमान लोग हैं, कभी भी पाकिस्तान द्वारा या दुश्मन राष्ट्र द्वारा फैलाए इस प्रकार के जाल में हम फंसने वाले नहीं।